नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ए.के. दुबे है और मैं मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में मेडिकल सुपरिंटेंडेंट हूँ। आज एक वीडियो जो काफ़ी वायरल हो रहा है, एक महिला ने उसको फैलाया है, उसको देख करके सच बोलो बहुत दुख हो रहा है। दुख इसलिए नहीं होता कि उन्होंने क्या बोला है, दुख इसलिए बोला है कि उन्होंने सच्चाई छुपाई है, दुख इसलिए बोला है कि पूरी सच बात बोली नहीं, दुख ये भी हो रहा है कि उन्होंने कई चीजों को ट्विस्ट कर दिया। काश अगर वो आज हमारे सामने होती या हमसे आके सवाल पूछती तो मैं हर प्रश्न का जवाब देता, उनको हर चीजें समझाता। एक समझने और समझाने का तरीका होता है। इस तरह सोशल मीडिया पर जाकर के, इस तरह टीवी मीडिया पर जाकर के एक अस्पताल के ऊपर एलिगेशन देना एक महिला के प्रति ये उचित नहीं है। इस अस्पताल में और बाकी अस्पतालों में भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, एक बहुत बड़े आफत से लड़ाई कर रहे हैं। अपना दिन नहीं, रात नहीं, घंटे नहीं, दिन नहीं, परिवार नहीं, हर डॉक्टर, हर नर्स चाहता है कि किस तरह से हम सोसाइटी की इस घड़ी पर मदद कर सकें। और उसके बीच एक महिला का ये स्टेटमेंट आता है जिसमें वो गलत चीजें बोलती हैं। महिला ने कहा कि उनसे 2 लाख रुपए मांगे गए, ये बिल्कुल सरासर गलत है। 2 लाख रुपए का तो ट्रीटमेंट ही नहीं होता। पेशेंट को थैलेसीमिया मेजर था, ये खून की बीमारी होती है जिसमें हर महीने उसे खून के ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। इसका ट्रीटमेंट कहीं और चल रहा था। कई अस्पतालों में ये खुद कह रही हैं कि धक्के खा चुकी थी और इन्हें बेड नहीं मिला था। आखिरकार ये मेदांता में पहुंची हैं। मेदांता ने ये पेशेंट को एडमिट किया, पेशेंट को एग्जामिन किया, पेशेंट को देखा कि पेशेंट को अनीमिया हुआ है, सीवियर अनीमिया हुआ है, और उनको बताया गया कि पेशेंट को 2 यूनिट पैक्ड सेल की जरूरत है और इसके लिए एडमिट करना पड़ेगा, और कोई ट्रीटमेंट नहीं था। पेशेंट 1 बजे के बाद दोपहर में एडमिट हुआ है, डॉक्टरों ने उसको एग्जामिन किया है, हिस्ट्री ली है, उनके कुछ टेस्ट करने कहे जो जरूरत पड़ती है किसी भी ट्रांसफ्यूजन के पहले, जैसे ब्लड ग्रुपिंग, क्रॉस मैचिंग, इन्होंने मना कर दिया। उसके पुराने टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं दिखाए। ऐसी अवस्था में डॉक्टरों को पेशेंट की हालत देखते हुए ये डिसाइड करना पड़ा कि ट्रांसफ्यूजन तो मस्ट है, हम करते हैं, लेकिन इसमें रिस्की होगा। पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए ट्रांसफ्यूजन एक बार में 2-2 यूनिट नहीं दिया जाता है, 1 यूनिट दिया जाता है, उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है कि कहीं कोई रिएक्शन तो नहीं है, कि भाई रिएक्शन डिलेड भी होती है, हम पेशेंट को वैसे रिस्क में नहीं डाल सकते थे। उसी दिन शाम को पेशेंट को पहला यूनिट दिया गया, डॉक्टर्स ने ऑब्जर्व किया और फिर दूसरे दिन सुबह दूसरा यूनिट गया। इन्होंने पेशेंट की पूरी हालत भी इस वीडियो में नहीं बताई है कि पेशेंट कौन बीमारी से और जूझ रहा था, ऐसे हालात में पेशेंट की ट्रीटमेंट की गई थी, ये इन्होंने नहीं बताया। इन्होंने ये नहीं बताया कि दूसरी जगह बेड नहीं मिली और उसका उनको दुख है। उनको दुख है कि यहां पर ट्रीटमेंट क्यों हुआ था, यहां मेदांता ने एडमिट क्यों किया था, यहां डॉक्टरों ने उनके लड़के की चिकित्सा क्यों की थी। ये सुनकर हमें बहुत ही दुख होता है। इन्होंने कहा कि इनको डिटेल नहीं बताया था, पेशेंट के एडमिशन के पहले सारे डिटेल बता दिए गए थे, क्या चीज की जरूरत है, कितने पैसे लगेंगे, इत्यादि इत्यादि। पेशेंट का कुल बिल 30,000 रुपए हुआ था, इसमें करीब 16,000 रुपए तो रूम रेंट का था, जो तो स्पेशल इनके लिए नेगेटिव प्रेशर के रूम होती है। पेशेंट में और भी जो किट्स लगे थे, जो और दवाएं लगी थी, जो कंज्यूमेबल्स लगे थे, जो डॉक्टर की विजिट हुई थी, जो ब्लड पैक्ड सेल का ट्रांसफ्यूजन था, करीब उसके 7,000 रुपए लगते हैं, ये सब मिलाकर टोटल बिलिंग का 30,000 रुपए हुआ। इन्होंने पेमेंट न बैंक ट्रांसफर से किया, न कैश में किया जो साधारणतः होता है, इसका इन्होंने चेक लिया और चेक भी अस्पताल ने एक्सेप्ट कर लिया। पहले दिन 20,000 का चेक दिया था और दूसरे दिन 10,000 का चेक दिया था। इन्होंने गलत कहा है कि पेशेंट को पानी तक नहीं दिया गया, पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन के दौरान नहीं दिया जाता, उसके बाद में उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है और उस समय उनको सब चीजें दी गई थी। इन्होंने कहा कि पेशेंट को यहां बंदी बना के रखा गया, ये सरासर गलत है, कोई अस्पताल है, कोई बंदी गृह नहीं है और किसी भी पेशेंट को मेदांता कहीं पर बंदी बना के नहीं रख सकता।
सारे कार्य करने के बावजूद, सारी पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखने के बावजूद, सारी सुविधाएं उपलब्ध करने के बावजूद, ये महिला जाकर के एक वीडियो सर्कुलेट करती हैं कि हमारे साथ ये हुआ। इसका हमें दुख है।